ब्रॉट टू यू बाय सेंसोडेंट के। अभी लेके आए सेंसोडेंट के, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। तारीख 29 जनवरी 2024, हिंद महासागर में इंडियन नेवी गश्त लगा रही थी, तभी उन्हें इमरजेंसी सिचुएशन का सिग्नल मिला। जल्द ही सोर्स लोकेट कर लिया गया। पता चला कि अदन की खाड़ी के पास मछुआरों की एक नाव फंस गई है, उसके ऊपर समुद्री लुटेरे चढ़ गए हैं और उन्होंने क्रू मेंबर्स को बंधक बना लिया है। फिर INS सुमित्रा को रवाना किया गया। कुछ समय बाद इंडियन नेवी के जवान नाव पर थे, उन्होंने हल्की मुठभेड़ के बाद लुटेरों को हरा दिया था। नाव और सभी 17 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित निकाल लिया गया, सबके सब पाकिस्तानी नागरिक थे। इंडियन नेवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस ऑपरेशन की जानकारी साझा की। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब हाल के समय में इंडियन नेवी ने कोई रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया हो। रेड सी पहले से तनाव के केंद्र में है, वहाँ हूती विद्रोहियों के हमलों के चलते लगातार हलचल बढ़ रही है। हूती के साथ ब्रिटेन और अमेरिका की जंग भी चल रही है। अब सोमालिया के समुद्री लुटेरे स्थिति का फायदा उठाने की फिराक में है। इसने ग्लोबल ट्रेड रूट और हिंद महासागर की सुरक्षा को अधर में डाल दिया है। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। तो आज हम जानेंगे इंडियन नेवी हिंद महासागर में ऑपरेट कैसे करती है, हाल के रेस्क्यू ऑपरेशन से भारत की छवि कैसे बदल रही है और सोमालिया के समुद्री लुटेरों का पनपना कितनी बड़ी घटना है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप का इंटरनेशनल प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। इंडियन ओशन रीजन या हिंद महासागर के बारे में हमने पहले भी विस्तार से बताया है, आपको जानने की इच्छा हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं। आज हम आपको ब्रीफ में रिकैप करा देते हैं। इंडियन ओशन आकार के मामले में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसका इलाका भारत से ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया से लेकर अफ्रीका महाद्वीप तक फैला हुआ है। बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर, अरब सागर, पर्शिया की खाड़ी, रेड सी या लाल सागर इसी का हिस्सा है। इंडियन ओशन के किनारे या उसके अंदर देशों की कुल आबादी लगभग 270 करोड़ है, दुनिया की कुल जनसंख्या का 1/3। इसके अलावा इसकी क्या अहमियत है? नंबर एक, समुद्री व्यापार का बड़ा हिस्सा हिंद महासागर के रास्ते होता है। गल्फ न्यूज़ की एक रिपोर्ट बताती है कि 60% कच्चा तेल और 70% शिपिंग कंटेनर्स इसी रूट से गुजरते हैं। नंबर दो, पूरी दुनिया में कुल 7 चोक पॉइंट्स हैं, इनमें से 3 हिंद महासागर में हैं। कौन कौन से हैं? पहला है मलक्का स्ट्रेट, ये मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया के बीच में है, साउथ ईस्ट एशिया को हिंद महासागर से जोड़ता है। दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये पर्शिया की खाड़ी को हिंद महासागर से जोड़ता है। तीसरा चोक पॉइंट है बाब अल मंडाब स्ट्रेट, एरिट्रिया, जिबूती और यमन के बीच में, ये रेड सी को हिंद महासागर से जोड़ता है। चोक पॉइंट्स ऐसे समुद्री संकरे रास्तों को कहा जाता है जहां ट्रैफिक जाम लगने की आशंका सबसे ज़्यादा होती है। अगर किसी वजह से रास्ते ब्लॉक हो जाएं तो दूरी हज़ारों किलोमीटर तक बढ़ जाती है। इससे ट्रांसपोर्ट का समय और खर्च बढ़ता है। खर्च बढ़ने का मतलब है सामान के दाम बढ़ेंगे और आखिरकार इसका भार आम लोगों पर ही पड़ता है। नंबर तीन, एशिया महाद्वीप में वर्चस्व की चाबी हिंद महासागर के पास है। चीन इस इलाके में बसे देशों में अपनी पकड़ को मजबूत कर रहा है। वो वन बेल्ट वन रोड के जरिए एशिया से यूरोप तक का समुद्री रास्ता तैयार करना चाहता है। इसने भारत, अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों की चुनौती को बढ़ा दिया है। हिंद महासागर अभी चर्चा में क्यों है? सबसे बड़ी वजह इज़राइल हमास जंग है। 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुई लड़ाई अभी भी जारी है। अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देश इज़राइल का साथ दे रहे हैं। किसी भी देश ने खुलकर हमास को सपोर्ट नहीं किया है, मगर एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस खड़ा हुआ है जो इज़राइल और उसके सहयोगी देशों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ये एक्सिस ईरान से लेकर यमन, इराक और सीरिया और लेबनान तक फैला हुआ है। इसमें सबसे खतरनाक है हूती विद्रोही, उनका यमन के बड़े हिस्से पर कब्जा है। खुद को वो यमन का असली शासक बताते हैं, मगर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उनको मान्यता नहीं दी है। हूती विद्रोहियों की अपनी सरकार है, सेना है, पर्याप्त संसाधन भी उनके पास हैं। उन्होंने अक्टूबर 2023 में इसराइल के खिलाफ जंग का ऐलान किया, धमकी दी कि रेड सी से गुजरने वाले इसराइली जहाज़ों को निशाना बना लिया जाएगा। तब से हिंद महासागर में मालवाहक जहाज़ों पर हमले बढ़े हैं, इसके चलते कई शिपिंग कंपनियों ने रूट बदल दिया है। अब उनके जहाज अफ्रीका का चक्कर लगाकर एशिया तक पहुंच रहे हैं, वाइस वर्सा भी वैसा ही हो रहा है। ये ग्लोबल ट्रेड के लिए नुकसानदेह है, पैसे के मामले में और समय के मामले में भी। इसको रोकने के लिए अमेरिका ने दिसंबर 2023 में 10 देशों की फौज तैयार की, कई और देशों ने मोरल सपोर्ट देने का ऐलान किया। फिर ऑपरेशन प्रॉस्पैरिटी गार्डियन शुरू किया गया, तब से वे हूती विद्रोहियों से लड़ रहे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं, हालांकि इसके बावजूद हूती विद्रोहियों का हमला रुका नहीं है।
भारत ना तो अमेरिका के गठबंधन में शामिल हुआ है, ना ही बाहर से सपोर्ट दे रहा है, उसने अपने स्तर पर कार्रवाई की है। भारत इसमें कैसे शामिल हुआ, इस पर भी बात कर लेते हैं। हूती विद्रोहियों ने दावा किया था कि सिर्फ इसराइल से जुड़े जहाजों को निशाना बनाएंगे, लेकिन वे अपने दावे पर कायम नहीं रहे हैं। हूती हमलों की चपेट में भारत से जुड़े जहाज भी आए, इसलिए नवंबर 2023 से इंडियन नेवी ने हिंद महासागर में गश्त बढ़ा दी। भारत ने 3 डिस्ट्रॉयर जहाज और एयरक्राफ्ट तैनात किए हैं। वे भारत के साथ साथ दूसरे देशों के जहाजों को भी सुरक्षा दे रहे हैं। 29 जनवरी को इंडियन नेवी ने ईरान और श्रीलंका से जुड़े जहाजों को बचाने में मदद की। ईरानी जहाज में 17 पाकिस्तानी नागरिक सवार थे। श्रीलंकाई जहाज को बचाने में श्रीलंका और सेशेल्स की फौज ने भी साथ दिया। हाईजैकर्स का क्या हुआ, इस बारे में कोई जानकारी बाहर नहीं आई है अभी तक। दोनों घटनाओं में सोमालिया समुद्री लुटेरों का नाम आया है। ब्रिटिश मिलिट्री ने कहा कि इस वक्त हिंद महासागर में लुटेरों के 2 ग्रुप्स एक्टिव हैं। उनके पास एक बड़ा जहाज और कई छोटी मोटी नावें हैं। जानकारों के मुताबिक ये हूती विद्रोहियों से अलग हैं। वे हिंद महासागर में मची उथल पुथल का फायदा उठाना चाहते हैं। इस रीजन में 2017 के बाद से समुद्री लुटेरों का प्रभाव घटा है। उनका दोबारा उभार बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहा है। आपने पूरी कहानी सुनी, अब चलते हैं एक्सपर्ट कॉर्नर की तरफ। हमारे पहले एक्सपर्ट हैं भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी और डिफेंस एक्सपर्ट भी, उदय भास्कर। हमने उनसे पूछा इमरजेंसी सिचुएशन में भारतीय नौसेना कैसे ऑपरेट करती है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का क्या होता है। पायरेसी के एक नियम होते हैं, अनरिटन लॉज हैं, कि पायरेसी जो है अभी वो गैर कानून है। तो जहां पायरेसी होता है उसके खिलाफ आज के जमाने में अंतरराष्ट्रीय कानून के मुताबिक कोई भी देश अपने नेवी या कोस्ट गार्ड जो उनके पास क्षमता है वो सही कदम उठा सकते हैं। और इसकी जो खास 2-3 बिंदु ये हैं कि आप पायरेट्स को वार्निंग देते हैं। मान लीजिए कि पायरेट्स ने जहाज को कब्जा कर लिया है, तो चाहे वो नेवी हो या कोस्ट गार्ड, वो अपने जहाज पे या अपने एयरक्राफ्ट पे जाके पायरेट्स को चेतावनी देते हैं, वार्निंग देते हैं कि वो सरेंडर कर लें, और यदि नहीं करेंगे तो एस्केलेशन हो सकता है, अगला कार्रवाई हो सकता है। तो इस प्रकार का कंट्रोल्ड कैलिब्रेटेड एक सैनिक रिस्पॉन्स होता है। जहां तक अभी तक हमने देखा है, खास सोमालिया पायरेसी का जो उदाहरण हमारे पास है, अगर मान लीजिए ये पायरेट्स जहाज को कब्जा कर लेते हैं और अभी के हाल का जो स्थिति हुआ है, इंडियन नेवी का जहाज वहां पे था तो उन्होंने वार्निंग दिया है, और अगर ये लोग वार्निंग भी नहीं सुनते हैं तो जैसे एक केस में हमारे नेवी के जो कमांडोस हैं, मार्कोस जिसको कहते हैं, उनको हेलीकॉप्टर के माध्यम से उतार के उन्होंने जहाज के जो पायरेट्स हैं, लुटेरे जो हैं, उनको उन्होंने एक प्रकार से कंट्रोल कर दिया था और पकड़ के उनको फिर जहाज को अपने कैप्टन को वापस दे दिया। नॉर्मली जब पायरेसी होता है, जब मान लीजिए कि पायरेट्स जो है जहाज के ऊपर कब्जा कर लेते हैं, तो कोई भी मर्चेंट शिप जो है उनके पास हथियार नहीं होता है, तो उनके पास कोई विकल्प नहीं है, वो सरेंडर करते हैं। तो जब वो सरेंडर करते हैं, वो जहाज में एक सेफ स्पेस होता है जो कि लुटेरे अंदर नहीं प्रवेश कर सकते हैं, तो उसके अंदर वो अपना शेल्टर ले लेते हैं और फिर डिस्ट्रेस सिग्नल भेज देते हैं। जब डिस्ट्रेस सिग्नल कोई भी पिकअप करता है, चाहे वो एक और जहाज हो, मर्चेंट शिप हो, नेवल शिप हो, और वो करीबी देश को चेतावनी देते हैं, जैसे भारत को बताया गया था, तो भारत ने अपने जहाज को भेजा क्योंकि INS सुमित्रा वहां पे था, या INS विशाखापट्टनम जो था। तो जैसे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाता है, आप अपना रिस्पॉन्स को कैलिब्रेट कर सकते हैं, चाहे आप जहाज को भेजें या एयरक्राफ्ट को भेजें या चेतावनी दें, ये स्थिति के ऊपर होता है। उनका निजी अनुभव भी सुनते हैं। माली पायरेसी का इशू हुआ था, हम सब ने उसको बहुत निगरानी से देखा था, उसका स्टडी किया था। तो एक बड़ा चुनौती है, सबसे पहले बार बार यही कहा जाता है कि पायरेसी के जो रूट कॉजेस हैं वो लैंड पे होता है, जहां वहां पे सोमालिया में उथल था, सिविल वॉर था, लोगों के लिए नौकरियां नहीं थी, खाना नहीं था, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह। तो उसकी वजह से ये सोमाली पायरेट्स के लिए एक मौका मिला। और दूसरा कारण ईस्ट अफ्रीका, यानी कि अफ्रीका के पश्चिमी जो समुद्री तट है, वहां पे ये मैकेनाइज ट्रॉलर्स बाकी देशों को, ये जो ट्रॉलर्स थे, चाहे वो चीन के हो, ताइवान के हो, किसी भी आसियान देश, वो यहाँ पे आके डीप सी फिशिंग करते थे महीनों भर, यानी कि
तीन से लेके 6 महीने तक वो जहाज वहीं रहते थे और वो समुद्र को ट्रॉल करते थे, पूरा समुद्र का जो मिट्टी होता है उसको उठा के, सारे मछलियों को उठा के, यानी कि इनडिस्क्रिमिनेट फिशिंग करते थे वो फैक्ट्रियों के लिए, फैक्ट्री शिप वहां होता था। कारण ये, इस कारण का नतीजा ये था कि सोमाली फिशरमैन, जो ट्रेडिशनल फिशरमैन अपने छोटे बोट पे जाते हैं, मछुआरे जो है, उनके लिए कोई मछली नहीं मिलता था और वो उसी के ऊपर आधारित थे अपने गुजारा के लिए। तो ये भी एक कारण था कि सोमाली कोस्ट और ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका में पायरेसी बढ़ गया था। तो हमें यह पहचानना है कि पायरेसी के जो रूट कॉजेस, जो कारण है, वो लैंड पे होते हैं। और जब पायरेसी होता है उसको काबू में लाने के लिए और रोकने के लिए कई सारे कदम उठाने पड़ते हैं, जिसमें कानूनी कदम या कानूनी कार्रवाई बहुत जरूरी है। अंतरराष्ट्रीय कानून के मुताबिक पायरेट्स को अरेस्ट करने के बाद उनकी केस चलाया जाता है और वो एक कोर्ट में होता है। और उस वक्त मुझे याद है कि भारत के लिए कई सारे कठिनाइयां थी, क्योंकि सोमाली पायरेसी इतने लोग थे, उनमें से कई सारे छोटे बच्चे भी थे 10-12 साल के, और उसके लिए अंतरराष्ट्रीय कानून के पास प्रोविजन नहीं था या प्रबंध नहीं था। तो हमको अलग अलग उनके लिए डिटेंशन कैंप बनाना पड़ता था। और केस जब यहां हो जाता है, जिस जहाज के ऊपर उनको पकड़ा गया था उसके ओनर, उनकी भी एक जिम्मेदारी होती है और ये काफी जटिल हो जाता है। तो इसलिए कई सारे देश अभी पायरेट्स को अपने देश में लाने के लिए हिचकते हैं। इंडियन ओशन रीजन को सुरक्षित बनाए रखने में भारत की भूमिका क्या हो सकती है? 2015 में मोदी साहब, प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया था कि भारत जो है वो सागर के सिद्धांतों के ऊपर हम आगे बढ़ेंगे, और सागर का उन्होंने वर्णन भी किया था अंग्रेजी में, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये इसकी खूबी भी है कि सागर जो है हमारे भाषा में, ये ओशन या सागर की जब आप बात करते हैं तो आमतौर पे ये महासागर की बात होती है, ग्लोबल ओशन की बात होती है। तो भारत अभी तक अपनी जो विश्वसनीयता है समुद्री तट में, मैरिटाइम क्रेडिबिलिटी, कई बार हमने इसको साबित किया। जैसे मैंने कहा 2004 में सुनामी हुआ था, उस वक्त भी भारतीय नौसेना सबसे पहले वहां पे समर्थन देने के लिए पहुंचा था, दिसंबर 2004 की बात है। उससे पहले जब मालदीव्स के अंदर इसी प्रकार के लुटेरे, एक प्रकार से वो एक क्रिमिनल गैंग था, उन्होंने वहां पे हुकूमत का कब्जा करने की जब कोशिश किया था, भारतीय फौज ने, केवल नौसेना नहीं, भारतीय एयरफोर्स, हमारे स्पेशल फोर्सेस, कमांडो, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का एक बहुत ही खास ऑपरेशन हुआ था कि हमने वहां पे अपने वायुसेना का जो एयरक्राफ्ट है, बिना मैप का, बिना लाइट का, वहां मालदीव्स के एयर स्ट्रिप पे हमने जहाज को उतारा, स्पेशल फोर्सेस को वहां हमने भेजा, नौसेना ने अपना भूमिका वहां किया था, वगैरह वगैरह। अर्थात ये कि अगर आपके पास नौसेना है, कोस्ट गार्ड है, हुकूमत जिस प्रकार से उसको इस्तेमाल करते हैं समर्थन देने के लिए, अभी हाल में जैसे हमने पाकिस्तानी जो मछुआरे थे हमने उनको बचाया था, तो भारत ने यह नहीं सोचा कि यह पाकिस्तानी है या भारत है या श्रीलंका या कौन से नेशनैलिटी है। समुद्री तट में एक ट्रेडिशन होता है, एक प्रैक्टिस होता है, एक नियम होता है कि जहां कि कोई भी अगर पीड़ित है तो उनको समर्थन देना किसी भी जहाज या किसी भी सेलर का यह दायित्व है। तो हमने उसी प्रकार से भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड ने अपना दायित्व को पूरा किया है, और इसको आगे बढ़ाने के लिए अगले मान लीजिए 10-15 साल में मुझे लगता है कि उथल और बढ़ने वाला है। कई सारे कारण हैं, चाहे वो मिश्र में हो या अफ्रीका में हो या हमारे जो द्वीप हैं, जैसे अभी मालदीव्स के अंदर भी एक प्रकार का राजनीतिक उथल हुआ था। तो भारत के लिए अपनी नौसेना और कोस्ट गार्ड और जो क्षमता है समुद्री तट में, उसको सही प्रकार से बढ़ोतरी देना, इसका मतलब फंडिंग देना, उसके लिए पैसे खर्च करना, ये बहुत जरूरी है। और ये नौसेना की खासियत है कि ये जो स्पेक्ट्रम होता है ना, ये बड़ा इलास्टिक है, एक प्रकार आपका स्ट्रेटेजिक रोल है, सामरिक जो भूमिका है, जिसमें आपके पनडुब्बी हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर है, और इस प्रकार का सैटेलाइट है, मिसाइल है, और शक्तिशाली देशों के बीच में एक प्रकार का तनाव होता है, चाहे वो अमेरिका और चीन के बीच में हो या भारत और चीन के बीच में हो या इस इलाके में जो भी देश हैं, अपनी अपनी प्रेजेंस जिसको कहा जाता है, और विश्वसनीयता को एक सामरिक दृष्टिकोण से साबित करना चाहते हैं।
इसलिए उदाहरण के लिए अमेरिका ने ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक बहुत भारी पनडुब्बी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन का उन्होंने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, एक नया प्रोग्राम जिसको ऑकस कहते हैं। तो ये है पूरा स्ट्रेटेजिक या सामरिक लेवल। दूसरे ओर होता है नेवीज और कोस्ट गार्ड के लिए जिसको कहते हैं कॉन्स्टेबुलरी फंक्शन, यानी कि दरोगा वाला जो भूमिका है उसमें यह होता है कि पायरेसी, गन रनिंग, क्रिमिनल एक्टिविटी, कई बार ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, लोगों को एक देश से दूसरे देश को समुद्री तट से ले जाते हैं, खास औरतों को ले जाते हैं जो फ्लैश ट्रेड जिसको कहा जाता है। तो इन सब को काबू करने के लिए नेवी और कोस्ट गार्ड को एक प्रकार का पुलिसिंग या कॉन्स्टेबुलरी फंक्शन करना बहुत जरूरी है। साथ साथ जो व्यापार है, सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन जिसको कहते हैं, उसको सुरक्षित रखना, और आपके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जैसे भारत के संदर्भ में आपका बॉम्बे हाई है, आपके हाइड्रोकार्बन है, ये सब समुद्री यानी कि इसमें होते हैं इलाके में, तो उसको सुरक्षित रखना। तो ये जो स्पेक्ट्रम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये बड़ा इलास्टिक है, ये पैमाना बहुत बड़ा है। और मुंबई का उदाहरण हमारे पास है, 2008 में जो मुंबई शहर के ऊपर जो हमला हुआ था, वो जो दहशतगर्दी आए थे वो समुद्री रास्ते से आए थे। तो आपके पास चुनौतियां जो है बड़े सारे हैं, ये बहुत जटिल भी हैं। और अभी जिस प्रकार से ड्रोन का प्रयोग हो रहा है, मान लीजिए हाउथी ग्रुप जो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं मिस्र के युद्ध में, वो भी एक नया चुनौती है कि आप अनमैन्ड ड्रोन जो समुद्री तट से अगर आपके जहाज पे भी आ सकता है, आपके बॉम्बे हाई के ऊपर भी आ सकता है, या आपके कोस्टल सिटीज के ऊपर भी आ सकता है, तो इससे भी बचना, निगरानी रखना, ये भी एक चुनौती है। और अभी जो नया आने वाला है वो है साइबर और स्पेस जो समुद्री तट से जुड़ा हुआ है। जैसे उदाहरण के लिए विश्व का जितना भी साइबर ट्रैफिक है, जैसे हम इंटरनेट यूज करते हैं, वाईफाई यूज करते हैं, जो भी साइबर डिपेंडेंट है वो आपके अंडर वाटर केबल के ऊपर आधारित है। विश्व के बड़े सारे दो भारी केबल रूट्स हैं और उनके कुछ नेटवर्क्स होते हैं, उनमें से कई सारे इंडियन ओशन या हिंद महासागर में रखे गए हैं, तो उनको सुरक्षित रखना ये पूरी विश्व की जिम्मेदारी है। इंडियन ओशन रीजन में एक बड़ा फैक्टर चीन का भी है। हिंद महासागर में बसे अधिकतर द्वीपीय देशों में चीन की मौजूदगी है। यूरोप और मिडिल ईस्ट से व्यापार के लिए भी ये रूट बेहद अहम है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक उसने ईरान को चेतावनी भी दी कि अगर हूती हमले के चलते हमारे हित प्रभावित हुए तो उसका नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। हालांकि चीन अभी तक हूती हमले या सोमालियाई लुटेरों के खिलाफ खुलकर सामने नहीं आया है। वो एक तरफ वार्निंग देता है मगर हमलों को रोकने के लिए आगे नहीं आता है। इसकी क्या वजह है? और उनके जो समर्थन देने वाले हैं, चाहे वो ईरान हो या कोई और देश हो, अभी तो वो स्लेटी है। शायद ये मेरा व्यक्तिगत एक प्रकार का कंजेक्चर है कि उन्होंने चीन, रूस, इन देशों के जो जहाज हैं उसको टारगेट नहीं बनाया है, इतना कि वहां के सोशल मीडिया के मुताबिक अरबी देशों में, यमन में हमने जो देखा है, जहाज वाले ये भी कहते हैं कि हम चाइना का क्रू लेके चीन जा रहे हैं, यानी कि वो उसको अपने सोशल मीडिया पे, वो जैसे व्हाट्सएप में है वो डाल देते हैं ताकि हूतियों को पता लग जाए कि भैया इसके अंदर चीन का क्रू है या चीन का मास्टर है या चीन का जहाज है और उनके ऊपर हमला नहीं होगा। हालांकि ये पता नहीं कितना सच है, आजकल सोशल मीडिया पे काफी कुछ चलता है, पर यह बात सही है कि रूस और चीन के जहाजों के ऊपर कोई ज्यादा हमला नहीं हुआ है। और जो हूतियों ने हमला किया है वो इसराइल, अमेरिका और पश्चिमी देशों ने जो समर्थन दिया है उनके ऊपर है। पर पायरेसी बिल्कुल अलग है, हमको ये अलग अलग वर्ग देखना है। एंटी पायरेसी जो है वो सोमालिया के क्षेत्र से आ रहा है और हूती का जो अटैक है वो ज्यादा जो वहां पे सुएज कैनाल से जब बाहर आते हैं, जो मंडप कहते हैं, वो स्ट्रेट जो है छोटा सा जो यमन के बिल्कुल सीमित है, बबल मंडप जो है वहां पे ज्यादा हो रहा है। और इसलिए ये जो अटैक है ये एक प्रकार का राजनीतिक इसका ढांचा है और पायरेसी जो है वो बिल्कुल अलग है। हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में मैरिटाइम पॉलिसी इनिशिएटिव के हेड अभिजीत सिंह। वो भारतीय नौसेना में ऑफिसर रहे, भारत की मैरिटाइम पॉलिसी पर किताबों का लेखन और संपादन भी कर चुके हैं, फिलहाल ORF में सीनियर फेलो के तौर पर काम कर रहे हैं।
हमने उनसे पूछा, हूती विद्रोहियों के हमलों के बीच सोमालियाई लुटेरों का खतरा बढ़ा है, इन समुद्री लुटेरों का मकसद क्या होता है और वे ग्लोबल ट्रेड और रीजनल पीस के लिए कितना बड़ा खतरा है। देखिए, रीजनल पीस के लिए तो पायरेसी बहुत बड़ा थ्रेट है, लेकिन समुद्री लुटेरे जो है बेसिकली ये जो करते हैं ये अपराध है, एक तरीके से क्रिमिनल एक्टिविटी है, और 2008 से लेकर के 2012 के बीच में बहुत सक्रिय थे ये पश्चिमी हिंद महासागर में, गल्फ ऑफ एडन जो है वहां पर, और लेकिन उसके बाद पायरेसी काफी कम हो गई थी। और इसका कारण ये है कि जो इंटरनेशनल मैरिटाइम फोर्सेस हैं, जो नेवीज एंड कोस्ट गार्ड्स, वो बहुत एक्टिव थे उस रीजन में, और उस वजह से सोमाली पायरेसी जो है वो बिल्कुल खत्म के बराबर हो गई थी। उसके बाद 2013 के बाद कोई एक्टिव इंसिडेंट नहीं हुआ है, लेकिन अब जो ये बढ़ने शुरू हुए हैं इंसिडेंट, और आप देखें कि पिछले ही कोई 2 या 3 हफ्तों में तकरीबन 10 के करीब इंसिडेंट्स हो चुके हैं, जिसमें 3 में तो इंडियन नेवी ने काफी असिस्टेंस दी फिशिंग बोट्स को, तो ये काफी चिंताजनक है। और वो इसीलिए कि ये समझा जाता था कि पायरेसी खत्म हो गई है, लेकिन उसका मॉडल जो है वो अब देखने में आ रहा है कि डिसमेंटल नहीं हुआ है, कि जो पायरेट्स की जो मटेरियल कंडीशंस हैं जिसमें वो थ्राइव करते थे वो अभी भी बरकरार है और पायरेसी बढ़ने शुरू हुई है। अब ये है कि अलग अलग थ्योरीज हैं कि ये क्यों बढ़ रही है। एक थ्योरी ये है कि जो इंटरनेशनल मैरिटाइम फोर्सेस हैं उनका फोकस जो है वो शिफ्ट होकर के रेड सी पे चला गया है, क्योंकि जो हूती जो उग्रवादी हैं, हूती मिलिटेंट्स हैं, वो वहां पर बड़े बहुत एक्टिव हैं और वहां पे बहुत बहुत भारी जो है वो आक्रमण हो रहा है कमर्शियल शिपिंग के ऊपर। तो वो जो काफी इंटरनेशनल जो फोर्सेस थी, जो नेवीज थी, वो सब वहां उनका जो फोकस है वो सब वहां शिफ्ट हो गया है। तो इस वजह से उनको ये लुटेरों को बहुत प्रोत्साहन मिला है, उनको उनके लिए थोड़ा स्पेस खुली है, अपॉर्चुनिटी मिली है उनको, तो वो अभी अपने ये कार्यवाही दोबारा से उन्होंने शुरू कर दी है। दूसरी थ्योरी ये है कि हूती और जो सोमाली पायरेट्स हैं उनमें साठ गांठ है, उनमें आपस में कुछ ऐसी इक्वेशन है कि वो दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। और जो एनालिस्ट ये जो थ्योरी है इसको मानते हैं, वो ये बताते हैं कि आप देखें कि हूती और जो अल शबाब है जो सोमालिया में काफी एक्टिव है और काफी पायरेट ग्रुप्स जो हैं उनको कंट्रोल भी करता है, ये दोनों जो हैं उनको पैलेस्टीनियन कॉज के लिए बहुत सपोर्ट है उनका, और उनके टैक्टिक्स जो हैं, जो जिस तरीके से वो आक्रमण कर रहे हैं सीमा, वो काफी एक से हैं। तो इससे लगता है कि शायद उन दोनों में, जैसे मैंने बताया, कोई साठ गांठ। और तीसरी थ्योरी ये है कि ये जियोपॉलिटिक्स है, और जियोपॉलिटिक्स में ऐसा है कि जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है उसके जो देश हैं इथियोपिया, सोमाली लैंड, सोमालिया, इनके बीच में कुछ पॉलिटिक्स ऐसी है जिसकी वजह से ये अटैक्स बढ़ रहे हैं। और पॉलिटिक्स ऐसी है कि सोमाली लैंड जो है वो सोमालिया का एक ब्रेकअवे प्रोविंस है, मतलब पहले एक ही कंट्री था लेकिन सोमाली लैंड अब अलग हो गया है, और सोमाली लैंड और इथियोपिया के बीच में एक पैक्ट हुआ है जिसमें इथियोपिया को सी एक्सेस मिलेगा और सोमाली लैंड को इथियोपिया रिकग्नाइज करेगा कि ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, एक देश है, इंडिपेंडेंट देश है, जो सोमाली लैंड को पसंद नहीं है, और सोमाली लैंड में है अलशबाब, तो अलशबाब ये करवा रहा है ताकि वो इन दोनों की अथॉरिटी को, ये जो जैसे गवर्नेंस करते हैं अपने वाटर्स में, वो अंडरमाइन कर सके या उसको नुकसान पहुंचा सके। तो ये बेसिकली ये है कि ये जियोपॉलिटिकल है, ये पावर राइवलरीज हैं जो प्ले आउट कर रही हैं। तो ये 3 अलग अलग थ्योरी हैं कि ये क्यों हुआ है। अब ये बताना बड़ा मुश्किल है कि कौन सी थ्योरी जो है वो सटीक है जो अप्लाई करती है, लेकिन इन सब के एलिमेंट्स को मिला करके ही जो है वो फाइनली आप इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि दो तीनों थ्योरीज में कुछ कुछ ना कुछ बातें जो हैं वो शायद सच है। हिंद महासागर में भारत के अलावा किन किन देशों के सामरिक और व्यापारिक हित हैं, वे अपने हितों को बचाने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? ट्रेड इंटरेस्ट तो सब नेशंस के हैं, तो आप देखें अगर एशिया को देखें, यूरोप को देखें, ईस्ट एशिया इन पर्टिकुलर, तो आप देखें कि इनके सब सारे नेशंस के इंटरेस्ट जो है वो इंडियन ओशन में है, क्योंकि जो ऑयल एंड गैस फ्लोज हैं वो काफी सारे फ्लोज जो हैं वो इंडियन ओशन से होते हुए ईस्ट एशिया जाते हैं।
इन सब कंट्रीज के काफी इंटरेस्ट्स हैं। तो सुएस कैनाल जो अभी बंद बंद तो खैर नहीं है, लेकिन उस पर ट्रेड काफी कम हो गया है क्योंकि रेड सी के थ्रू जो है वो ट्रेड कम जा पा रहा है। काफी नेशंस को, काफी देशों को इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि ये पायरेसी इस रीजन में बहुत एक्टिव हो गई है। जहां तक सवाल आता है कि क्या कर रहे हैं उसके लिए, अब ये है कि सब देशों के पास उतनी कैपेसिटी नहीं है कि अपने अपनी नेवीज को बहुत प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन के लिए यहाँ डिप्लॉय कर सकें। इंडियन नेवी काफी एक्टिव रही है, इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि इंडियन नेवी इस समय सबसे ज्यादा सक्रिय नेवी है वेस्टर्न इंडियन ओशन में। और आप देख ही रहे हैं कि पिछले 2 या 3 हफ्तों में कम से कम 5 या 6 इंसिडेंट्स में बहुत पायरेसी को मिला है, और अगर आप हूती मिलिटेंट्स के अटैक के इंसिडेंट्स जो हैं उनको साथ में रख के देखें तो इंडियन नेवी ने काफी इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले किया है। इसके अलावा और देश भी हैं, जैसे अभी हाल में सुनने आया था कि श्रीलंका, सेशल्स, पाकिस्तान भी ने भी एक आध वॉरशिप भेजा हुआ है, और कुछ तो शायद रेड सी के आसपास भी हैं। तो सब नेशंस ट्राई कर रहे हैं कि जो कर सकते हैं वो करें, लेकिन मैं ये कहूंगा कि इस समय सबसे ज्यादा एक्टिव और सबसे ज्यादा जो प्रभावशाली नेवी इस वक्त है वो इंडियन नेवी है। हालिया दिनों में भारत ने हिंद महासागर में कई रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाए हैं, निश्चित तौर पर इंडियन नेवी लीड में है। इस तरह के ऑपरेशंस का भारत की छवि पर क्या असर पड़ता है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इसको किस तरह से देखा जाता है? एक बात मैं क्वालिफाई करना चाहूंगा, ये है कि इंडियन नेवी पायरेसी के इंसिडेंट्स बहुत एक्टिव है, लेकिन रेड सी में जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जो रेड सी में घटनाएं हैं, जो ये इनकी गतिविधियां हैं, जो हूतीज की गतिविधियां, उसमें इंडियन नेवी इतनी एक्टिव नहीं है क्योंकि ये पॉलिटिकल मुद्दा है। इसमें जो सबसे एक्टिव है वो है यूएस और यूके, अमरीका और ब्रिटेन। तो इनके जो नेवीज हैं, रॉयल नेवी है, यूएस नेवी है, ये बहुत एक्टिव है। और आपको पता है कि अभी हाल ही में हफ्ते भर पहले की बात है, शायद कुछ ही दिन हुए हैं कि यूएस ने यमन में जो बेसिस हैं हूतीस के उस पर अटैक किया था। तो वहां पर इंडिया इतनी सक्रिय नहीं है। अब इसमें यह है कि इंडिया की छवि जो है वो बहुत बैलेंस छवि है। इंडिया को देखा जाता है कि एग्रेसर स्टेट नहीं है। इंडिया जहां तक नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है, पायरेसी है, आपकी इलीगल फिशिंग होती है, आर्म रॉबरी वगैरह के अगेंस्ट इंडिया काफी स्टैंड लेता है, और इंडिया ने यही किया है अपने इंटरेस्ट बचाने के लिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी के इंटरेस्ट बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए जो पायरेसी के अगेंस्ट एक्शंस लिए हैं वो काफी सराहनीय है। लेकिन इंडियन नेवी ने हूतीस के अगेंस्ट डायरेक्टली इतने अटैक नहीं किया है, सिर्फ डिफेंस के लिए हम अपने सर्वेलेंस बढ़ाई है। इस वक्त जैसे आपने शायद सुना होगा, न्यूज में काफी आता है कि इंडिया 10 से 12 वॉरशिप्स जो हैं वो हमारे जो युद्ध पोत हैं वो इस समय डिप्लॉयड हैं वेस्टर्न इंडियन ओशन में, और वो सब बेसिकली सर्वेलेंस कर रहे हैं, ये इंश्योर कर रहे हैं कि इंडिया के जो ट्रेड है उस पर कोई आक्रमण ना हो, हूतीस का या पायरेट्स का। लेकिन ऐसे एक्टिव नहीं है कि वो अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेके अटैक कर रहे हैं, वो वाला काम जो है वो यूएस और यूके ही कर रहा है, क्योंकि ये जैसे मैंने बताया ये बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा भी है, और इसमें बहुत से देश जो हैं वो इतने शायद थोड़े से रिलक्टेंट होंगे कि इस पे पहल करें और अटैक करें, लेकिन डिफेंस में तो बिल्कुल इंडिया कर रहा है। और मेरी समझ से इंडिया की छवि के ऊपर कोई आँच नहीं आई है हमारी, हम अभी भी बहुत ऑफेंसिव नहीं है लेकिन डिफेंसिव भी नहीं। जब अपने इंटरेस्ट बचाने की बात आती है, प्रोटेक्ट करने की बात आती है, तो हम वो करते हैं जो हमें करना चाहिए। ये हो गया हमारा बड़ी खबर सेगमेंट, अब चलते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी है पाकिस्तान से। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बाद अब उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भी जेल जाना पड़ेगा। 31 जनवरी को एक अदालत ने इमरान और बुशरा को तोशाखाना केस में 14 बरस की सजा सुनाई है। दोनों पर 78 करोड़ 70 लाख पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इसके अलावा वे अगले 10 बरस तक किसी सरकारी पद पर नहीं रह सकते। तोशाखाना केस क्या है? तोशाखाना फारसी का शब्द है, मतलब होता है खजाने वाला कमरा। मुगलों के दौर में इसका इस्तेमाल राज परिवार को मिलने वाले तोहफों को सहेज कर रखने के लिए
किया जाता था। विभाजन के बाद भारत में व्यवस्था कायम रही। भारत में तोशाखाना का काम विदेश मंत्रालय संभालता है। पाकिस्तान में तोशाखाना विभाग 1974 में बना। इसको कैबिनेट डिवीजन के अंडर रखा गया। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कैबिनेट मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों को मिलने वाले तोहफों को रखने के लिए इसका इस्तेमाल होने लगा। नियम के अनुसार अगर विदेशी दौरे पर मिला गिफ्ट तय कीमत से अधिक का हो तो उसे तोशाखाना में जमा कराना होता है। अगर कोई व्यक्ति गिफ्ट अपने पास रखना चाहे तो उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। इसके लिए एक कमेटी बनी हुई है, वही बाजार की दर से कीमत तय करती है। इमरान पर आरोप है कि प्रधानमंत्री रहते हुए उन्हें जो तोहफे मिले उनकी सही जानकारी नहीं दी गई और उन्हें बेचकर मुनाफा भी कमाया। इस मामले में इमरान को अगस्त 2023 में 3 बरस की सजा हो चुकी है। दिसंबर में नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने इमरान और बुशरा के खिलाफ नया केस फाइल किया। आरोप था सऊदी क्राउन प्रिंस से उपहार में मिले गहनों की कीमत बताने में हेरफेर हुआ। इस केस की सुनवाई पंजाब की अड़ियाला जेल में बनाई गई विशेष अदालत में हुई। इमरान खान अगस्त 2023 से यहीं पर बंद हैं। उनके ऊपर चल रहे मुकदमों की सुनवाई यहीं पर हो रही है। 30 जनवरी को साइफर केस में फैसला आया था। उसमें इमरान और उनकी सरकार में विदेश मंत्री रहे शाह महमूद कुरैशी को 10-10 बरस जेल का आदेश आया था। हमने 30 जनवरी के दुनियादारी में इमरान खान की कहानी विस्तार से सुनाई थी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब जानते हैं बुशरा बीवी की कहानी क्या है। एक समय तक इमरान खान की छवि प्लेबॉय की थी। देर रात तक पब में रहना, अलग अलग महिलाओं के साथ दोस्ती, नशाखोरी के आरोप। फिर अचानक से उनका चाल चरित्र बदल गया। इमरान शांत रहने लगे, धर्म और आध्यात्म की तरफ मुड़ गए। समय के साथ उनका झुकाव बढ़ता गया। बाद के दिनों में उन्हें हाथों में माला फिराते भी देखा जाने लगा। कहा जाता है कि इसकी वजह उनकी तीसरी पत्नी बुशरा बीबी थी। अंदर खाने से यह भी खबर चलती है कि इमरान खान की चाबी उन्हीं के पास थी। बुशरा बीबी से उनकी शादी फरवरी 2018 में हुई थी। दोनों की पहली मुलाकात हालांकि 2015 में हो चुकी थी। इमरान उनके पास आध्यात्मिक सलाह लेने गए थे। फिर दोनों ने साथ होने का फैसला कर लिया। उस समय बुशरा बीवी शादीशुदा थी। बाद में उन्होंने अपने पति को तलाक देकर इमरान से दूसरी शादी कर ली। इस शादी के 6 महीने बाद ही इमरान चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बन गए। तब से बुशरा बीवी का प्रभाव बढ़ा ही। कहा तो ये भी जाता है कि बिना उनकी राय शुमारी के खान साहब किसी तरफ नहीं जाते थे। सरकार के फैसलों में भी उनका दखल रहता था। फिर अप्रैल 2022 में इमरान की सरकार गिर गई। उसके बाद उनके ऊपर 100 से ज़्यादा केसेस ला दिए गए। कई मामलों में बुशरा बीबी को भी आरोपी बनाया गया। तोशाखाना केस उन्हीं में से एक है। इमरान कहते हैं इसमें बुशरा बीबी की कोई भूमिका नहीं है, उन्हें ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है। खैर, 31 जनवरी को फैसला आने से पहले कोर्ट में एक नाटकीय घटना भी घटी। पाकिस्तानी मीडिया संस्थान जियो न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक जज ने इमरान से अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा। इमरान ने कहा कि मैं अपने वकील के आने के बाद बयान दूंगा, मगर ये होता उससे पहले अदालत ने सज़ा सुना दी। इमरान का कहना है वो सिर्फ अटेंडेंस लगाने गए थे, इतने में ही उनका बयान दर्ज मान लिया गया। पाकिस्तान के हालात पर हमारी नज़र बनी हुई, से जुड़ी जो भी अपडेट्स होंगी वो आपको लल्लन टॉप पर मिलती रहेंगी। दूसरी सुर्खी की तरफ चलते हैं। मलेशिया को नया सुल्तान मिल गया है। जोहोर स्टेट के सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर 31 जनवरी 2024 को मलेशिया के राजा बन गए। उन्होंने अल सुल्तान अब्दुल्ला की जगह ली। सुल्तान इब्राहिम का कार्यकाल 5 बरस का होगा। क्या है कहानी उनकी? उनका ताल्लुक मलेशिया के दक्षिण में बसे जोहोर सल्तनत से है। ये इकलौती सल्तनत है जिसको अपनी प्राइवेट आर्मी रखने का अधिकार है। सल्तनत इब्राहिम 2010 में जोहोर के सुल्तान बने थे। पिता की मृत्यु के बाद 2015 में उनकी ताजपोशी हुई थी। सुल्तान इब्राहिम को महंगी गाड़ियों के शौक के लिए भी जाना जाता है। उनका बिजनेस माइनिंग, टेलीकॉम से लेकर रियल एस्टेट तक फैला हुआ है। वो मलेशिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार हैं। कैसे बने मलेशिया के राजा? मलेशिया 31 अगस्त 1957 को ब्रिटेन से आज़ाद हुआ। वहाँ संवैधानिक राजशाही वाली शासन व्यवस्था है। सरकार की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री के पास है, जबकि हेड ऑफ द स्टेट राजा बने। मलेशिया में 13 राज्य हैं, इनमें से 9 में राजशाही चली आ रही है। इनके बीच आपस में समझौता है। वे रोटेशन के आधार पर मलेशिया की गद्दी पर बैठते हैं 5-5 बरस के लिए। इस बार जोहोर स्टेट की बारी आई है। मलेशिया में राजा के क्या क्या अधिकार होते हैं? थोड़ा थोड़ा ब्रिटेन जैसा सिस्टम है यहाँ। राजा का पद सेरेमोनियल माना जाता है। वो संसद में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त करते हैं। शासन की असली शक्ति प्रधानमंत्री के पास ही होती है। राजा अधिकतर निर्णय उनकी सलाह पर लेते हैं, लेकिन अगर संसद में मामला फंस जाए तो राजा अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। राजा के पास किसी सजायाफ्ता व्यक्ति को माफी देने का भी अधिकार है। आज की तीसरी और अंतिम सुर्खी है यूक्रेन से। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की और आर्मी चीफ जनरल वलेरी ज़ालुज़नी के बीच झगड़ा हो गया है। 29 जनवरी को ज़ेलेंस्की ने वलेरी को इस्तीफा देने के लिए कहा था, मगर उन्होंने मना कर दिया। अब चर्चा है कि उनको बर्खास्त किया जा सकता है।
ब्रिटिश अखबार गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेलेंस्की जंग में मिल रही असफलताओं की वजह से नाराज चल रहे हैं। दोनों के निजी मतभेद भी उभर कर सामने आए हैं। यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस खबर को गलत बताया है, हालांकि मामला इतना सीधा भी नहीं है। वलेरी ज़ालुज़नी यूक्रेन में ज़ेलेंस्की के बाद सबसे ज्यादा मशहूर और ताकतवर हैं। इसी बरस यूक्रेन में राष्ट्रपति चुनाव भी होने वाले हैं, मगर मार्शल लॉ के चलते इसको आगे खिसका दिया गया है। कहा जा रहा है कि अगर चुनाव हुए तो वलेरी ज़ेलेंस्की को चुनौती दे सकते हैं और उनके जीतने के चांसेस भी हैं। वलेरी ने कभी चुनाव लड़ने की इच्छा तो नहीं जताई, मगर इसकी संभावना है। इसने ज़ेलेंस्की को चिंता में डाल दिया है। वो बिना नाम लिए कई दफा ये कह चुके हैं कि मिलिट्री जनरलों को पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए। वलेरी नहीं तो कौन होगा आर्मी चीफ? यूक्रेनी मीडिया में किरिलो बुदानोव का नाम उछल रहा है। बुदानोव फिलहाल मिलिट्री इंटेलिजेंस के मुखिया हैं। अगस्त 2022 में रूस को क्रीमिया से जोड़ने वाले पुल पर एक बड़ा धमाका हुआ था। रूस ने इसका आरोप बुदानोव पर ही लगाया था। उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी किया गया था। फरवरी 2023 में उनको डिफेंस मिनिस्टर बनाने की बात चल रही थी, मगर वो नहीं हो सका। अब आर्मी चीफ की कुर्सी पर बिठाने की बात हो रही है। क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल नज़र ज़ालुज़नी पर है। उनकी बर्खास्तगी यूक्रेन की पॉलिटिक्स और रूस के साथ जंग दोनों में हलचल मचा सकती है। आज के दुनियादारी में बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभरात्रि।